फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी दही बड़े। तो आइए चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। आज हम बनाएंगे दही बड़े। ये मैंने उड़द की दाल ली है, उसको मैंने चार अच्छे तरह से धो के 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था। मैंने 2 कटोरी उड़द की दाल में 2 टेबलस्पून मूंग की दाल डाल दी है, धुली हुई मूंग की दाल, और इन्हें 4-5 घंटे मैंने अच्छे से भिगोया है। और अब ये पानी ड्रेन ऑफ करके हम इसका अच्छे से एक बारीक सा पेस्ट बना लेते हैं। देखिए, ऐसे हमने अपना मिक्सचर को पीस लिया है और ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाया है मैंने। और इसको पीसने में आप इसकी कंसिस्टेंसी देख पा रहे होंगे, मैंने बहुत कम पानी का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे ही आप भी बहुत कम पानी से ये जो हमने उड़द की दाल भिगोई है 4-5 घंटे, उसको ऐसे ही कम पानी के साथ पीस लीजिए। ये देखिए, हमने अपनी सारी दाल को पीस लिया है और हमने बहुत कम पानी का इस्तेमाल किया है, तो ये अच्छी गाढ़ी पेस्ट बनी है हमारी। हमने ये दाल को पहले 4-5 घंटे भिगोया था पीसने से पहले। अब हम इसको ओवरनाइट, मतलब मैंने इसको दोपहर में भिगोया था और मैंने शाम को पीसा है, और अब मैं इसको रात भर के लिए फ्रिज में रख दूंगी और हम सुबह इससे दही बड़े बनाएंगे। देखिए, जो दाल हमने रात में पीस के रखी थी उसको हमने सुबह निकाल दिया है और ये अब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर की हो गई है। अब इस दाल में ये मैंने नमक लिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये नमक डालेंगे और ये 1 चम्मच इनो पाउडर है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसको अब अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए हम बहुत अच्छे से बीट करेंगे। हमने ये इस मिक्सचर में आधा ग्लास पानी डाला है, वो नमक है और इनो है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये लाइट और एयरी नहीं हो जाता। आपको इसके टेक्सचर से ही पता चल जाएगा कि ये फ्लफी हो गया है और एयरी हो गया है। और अगर आपको वैसे पता ना चले तो एक कटोरी में आप पानी लीजिए, उसमें जब इसकी हल्की सी आप छोटी सी बॉल डालेंगे पानी में, तो वो बॉल पानी में ऊपर तैरनी चाहिए, वो कटोरी के पानी में नीचे सेटल नहीं होनी चाहिए। जब तक ये वाली कंसिस्टेंसी रीच नहीं हो जाती तब तक आपको इसको अच्छे से बीट करना है। हमारा बैटर कितना फ्लफी और एयरी हो गया है। अब हम इसके वड़े बनाएंगे। वड़े की शेप आप, ये मैंने सरसों का तेल गरम कराया था, वड़े की शेप आप कोई भी रख सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। जब हम वड़े डालेंगे तो हम हाई फ्लेम पे डालेंगे और फिर उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और इनको लो फ्लेम पे सेकेंगे। छोटे बड़े जो साइज आपको प्रेफर है आप वो साइज डालें और बहुत सावधानी से डालें कि तेल आपके हाथ पे टच ना हो। और बस सारे बड़े डालते ही फ्लेम को लो कर दीजिए और इनको लो फ्लेम पे ही फिर हम सेकेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। बड़ों में मेन चीज टेम्परेचर को मेंटेन करना और राइट टेम्परेचर पे अपने बड़े को सेकना है। ये देखिए, ये ऊपर आने लगे हैं, तो हल्का सा हम इनको बस ऐसे टच करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। ये अपने आप, ये देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। ये देखिए, आप हल्का सा इनको टच करेंगे ये घूम जाएंगे। तो ऐसे ही हम इनको सब तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक लो फ्लेम पे सेकेंगे। ये देखिए, हमारे बड़े कितना अच्छा कलर आ गया है इनके ऊपर, इसका मतलब ये बिल्कुल सिक गए हैं। और इनको बाहर निकालने से पहले थोड़ी देर हम ऐसे साइड में रोक लेंगे कढ़ाई पे, जिससे जितना भी एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन ऑफ हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं हमारे बड़े। और मैं अभी आपको अंदर से भी तोड़ के दिखाऊंगी कि अंदर से भी बहुत ही अच्छी तरह से हमारा बड़ा पक गया। ये हमारे बड़े सिक के बिल्कुल रेडी हैं और आप इनको ऐसे तोड़ के देखेंगे तो ये देखिए अंदर से भी ये बहुत अच्छे से सिके हैं। कोई भी बड़ा आप तोड़ के देखिए, ये देखिए अंदर से दाल कहीं भी गीली नहीं है, देखिए बिल्कुल अच्छे से सिक गए हैं। तो आप इनको हाई फ्लेम पे डालिए और मीडियम टू लो फ्लेम पे सेकिए, तो आपके दही बड़े बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ये देखिए, हमारे दही बड़े बनके बिल्कुल रेडी हैं। ये दही बड़े हम अभी यूज़ कर लेंगे। और ये कुछ एक्स्ट्रा दही बड़े बनाए हैं मैंने, इनको अगर आपको स्टोर करना है ये 15-20 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। मैं इनको ऐसे किचन टॉवल में रैप कर दूंगी और हमारे पास ये जिप पाउच हैं, इनको हम, अब मेरे दही बड़े बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, हम इनको अब अच्छे से अपने पहले किचन टॉवल में रैप करके फिर ऐसे जिप पाउच में रख के आप फ्रिज में रखेंगे।
आप इनको ऐसे किचन टावल में रख के, फिर हम ऐसे जिप पाउच में इनको रख के और नॉर्मल फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजर में नहीं नॉर्मल फ्रिज में रखेंगे, तब भी 10 से 15 दिन आराम से आप इन दही बड़ों को यूज कर पाएंगे। बस इनको ऐसे रैप करिए अच्छे से किचन टावल में और ऐसे जिप पाउच में रख के और सील करके फ्रिज में आराम से स्टोर करिए। बाकी जो अभी हमें ये इंस्टेंटली खाने हैं इनका क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। जो दही बड़े हमें अभी कंज्यूम करने हैं, मैं उनके लिए ये एक भगोने में पानी गर्म कर रही हूँ। इस पानी में हम 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ी सी हम डालेंगे ये हींग, ये एक चुटकी हींग ली है मैंने, ये हींग हम इसमें डाल देंगे। और हमें ये पानी उबालना नहीं है, ये पानी बस हमें लूक वार्म करना है। जब ये पानी लूक वार्म हो जाएगा उसके बाद हम अपने जो हमने दही बड़े बनाए हैं ये इस पानी में 1 घंटे के लिए, मिनिमम 1 घंटे के लिए, आप चाहें तो ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। ये हमारा पानी परफेक्ट टेम्परेचर का हो गया है, हम इसको बंद कर देंगे, गैस ऑफ कर दिए हैं। और अब हम जितने भी हमें दही बड़े कंज्यूम करने हैं एट अ टाइम, वो दही बड़े हम इस पानी में ऐसे डाल देंगे और इनको मिनिमम 1 घंटे के लिए, मैक्सिमम आप 2 से 3 घंटे के लिए भी पानी में छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके दही बड़े बिल्कुल नहीं घुलेंगे पानी में। ये देखिए, ये ऐसे मेरे को अभी इतने दही बड़े कंज्यूम करने हैं तो मैंने इनको ऐसे पानी में डाल दिया है और अब इसको ढक के हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये जो हमने दही बड़े पानी में भिगोए थे ये 1.5 घंटे से भीग रहे हैं, अब मैं इनको असेंबल करूंगी। ये थोड़ा सा दही लिया है मैंने, जिसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के फेंट लिया है। हम नीचे एक बहुत पतली सी लेयर ऐसे दही की लगाएंगे, ये देखिए ऐसे दही की पतली सी लेयर लगाएंगे हम नीचे। और ये है मीठी चटनी जो मैंने घर पे बनाई है। अगर आपको इस चटनी का वीडियो चाहिए तो वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये मैंने घर पर ही दही बड़ा मसाला बना के रखा है, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत काली मिर्च, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें हम ऐसे नीचे डाल देंगे। अब एक एक बड़ा हम ऐसे लेंगे और हाथ से ऐसे स्क्वीज करेंगे, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये। और बस ऐसे ही एक एक बड़ा स्क्वीज करते जाएंगे और हम अपनी इस डिश में ऐसे असेंबल करते जाएंगे। आप पानी में देखेंगे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था बड़ों का वो सब पानी में रिलीज हो गया है, तो इसलिए इन्हें हल्के से गुनगुने पानी में डालना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो सब बाहर आ जाता है। ये देखिए कितना ऑयली हो रहा है पानी, आप मेरे हाथ भी देखिए, मेरे हाथों पे भी कितना ऑयल आ रहा है। बस ऐसे ही स्क्वीज कीजिए और ये वड़े जितनी देर पानी में रहेंगे उतने सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए, ये देखिए आप एक फिंगर से भी पुश करेंगे तो इनमें से पानी निकल रहा है, तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं अगर इन्हें आपने प्रॉपरली फेंटा है। जो हमने दाल ली थी उसको नमक डाल के अच्छे से हमने फेंटा है तो ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। बस ऐसे ही आप स्क्वीज कर करके अपने डिश में इनको अरेंज कर लीजिए। ये देखिए हमारी डिश में जितने बड़े आ रहे थे हमने सब अपनी डिश में अरेंज कर। अब हम फिर से इनके ऊपर जेनरस क्वांटिटी में दही डालेंगे। दही आप एकदम गाढ़ा वाला दही मत डालिए, थोड़ा सा पानी डाल के उसको पतला कर लीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही होगा तो हमारे दही बड़े अच्छे से दही एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा सा पतला कर लीजिए दही को। अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप कितना तीखा खाना चाहते हैं उसके हिसाब से यह हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप रेड चिली पाउडर स्किप कर सकते हैं। ये देखिए उसके बाद मैं फिर से ये जो मेरा मसाला है जीरा, अजवाइन, काला नमक, इन सब चीज़ों का ये मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसके ऊपर सिर्फ भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर नमक डालेंगे। नमक हमारी मीठी चटनी में भी है इसलिए नमक हम उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। और अब एंड में इसको हम गार्निश करेंगे ये होममेड खट्टी मीठी इमली की चटनी से।
इस चटनी के बिना दही बड़े बिल्कुल अधूरे होते हैं। तो इस चटनी का लिंक भी मेरे चैनल पे है, तो आप एक बार जाके उसे जरूर चेक करिएगा। ये चटनी घर पे बनाना बहुत ही आसान है। हमारे टेस्टी सुपर यमी एंड सॉफ्ट दही बड़े बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग भी एक बार इन्हें घर पे जरूर बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।